हर दूसरा मतलब इस्तखारे के पीछे पड़ा हुआ को हर काम करने से पहले इस्तखारा कर ले। इस्तखारा करने का उसका तरीका क्या है कि वो बाबाओं के पास जाता है, कोई ना कोई उसको तगड़ा सा बाबा मिल जाए जो यूं करके कुरान खोले या जो भी अपना उसका तरीका का उससे वो करे, इस्तखारा करके उसको बता दे। ख़ास तौर पर रिश्ते वाले, जो रिश्ते करवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी बेटी का बहू का सॉरी बेटी का बहन का रिश्ता करना है, ख़ास तौर पर वो लोग तो इस्तखारा के पास जा इस्तखारा करवाते ही बाबाओं के पास जाके। बाबों से इस्तखारा कराने का किसी रिवायत में किसी किताब में किसी मुस्नद किताब में इसका जिक्र नहीं है। एक ही किताब में इस्तखारे की दुआ है, मिश्कात शरीफ वो किताब है जिसमें इस्तखारे की दुआ लिखी हुई है हदीस की किताब में। और इस्तखारे की दुआ क्या है वो तो आप शुरू ही पढ़ेंगे ना, शुरू से ही पढ़ेंगे, अल्लाह मैं इस्तखीर का या अल्लाह मैं तुझसे खैर का तलबगार हूँ। उसका मतलब यही है कि या अल्लाह ये मैं इस काम के लिए तुझसे खैर का तलबगार हूँ, अगर ये मेरे लिए बेहतर है तो मुझे मेरे लिए कर दे, अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, यानी अगर बेहतर है तो मुझे इससे करीब कर दे, नहीं तो मुझे दूर कर दे। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है, ख़ास तौर पे रिश्तों वाले जो बेटियों के बहनों के घर में बिठा बिठा के माइयाँ बूढ़ियाँ कर ली, ऐसे ऐसे हमने रिश्ते देखे हैं कि जो लड़कियों की उम्र उस शादी की गुजर गई उस सखारे नहीं मिल रहा, और एक बाबे के पास जा दूसरे के पास जा तीसरे के पास जा चौथे के पास चौथे पाँच छठे बाबों के पास जा जाके सखारा। आज मैं आपको एक बार बताने लगा हूँ जो कोई आपको मौलवी पंडित कोई बाबा कोई इधर उधर का बंदा कोई नहीं बता सकेगा, और मैं चैलेंज के साथ बताऊँगा, चैलेंज के साथ कि दुनिया का कोई बाबा आपको इस्तखारा करके ये नहीं बता सकता कि आपकी बेटी का यहाँ रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, यहाँ वसीबा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दुनिया का बाबा छोड़ दें, दुनिया के सारे बाबे मिल जाएं, दुनिया में जितने बाबे हैं सारे मिल के इस्तखारा करें, नहीं बता सकते आपको। मैं चैलेंज के साथ कह दूँ, अभी अभी बैठे बैठे साबित कर दूँगा। वो इसलिए कि एक बाबा जी ऐसे हैं, मैं उनके पास जाता रहा हूँ, बहुत अच्छा जाता रहा हूँ, और जब मैं जद्दा में रहता था तो मैं अपने घर से निकलता था, मेरे घर के मेरे डोर से मेरे दरवाजे से 3.5 घंटे मुसलसल ड्राइव करके मैं वहाँ पहुँचता था। उस शहर का नाम है मदीनातुल मुनव्वरा। तो मदीनातुल मुनव्वरा में जो हस्ती बैठी है वो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, सबसे आला अफजल, सबसे ओला हस्ती, और जिनके लिए एक रवायत में है कि उनके लिए अल्लाह ताला ने इस सारी दुनिया जहान को बनाया, जिनकी खातिर जिनकी वजह से। अब मैं उनकी ज़िंदगी का वाक़ आपको बताने लगा हूँ। उन्होंने एक शादी की, एक रिश्ता किया उन्होंने, वो रिश्ता क्या था, दोनों तरफ से सरबराह खुद थे, जो लड़का वाला लड़के था लड़का वाला भी लड़के वाले की सरबराह भी खुद थे, जो लड़की थी लड़की वालों के सरबराह भी खुद थे, यानी ना किसी से पूछना पड़ा जाके ना किसी को मनाना पड़ा जाके, उसका भी रिश्ता तय कर दिया, उसका भी तय कर दिया। ज़ाहिर है बज़ाही तौर पे शायद पूछा ही होगा सारी तौर पे, तो दोनों का रिश्ता तय कर दिया। एक आपका मुँह बोला बेटे थे हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ज़िला तना हो, और ये दूसरे जो थे वो आप जो औरत थी वो आपकी हज़रत हमारी, अब तो उसके बाद हमारी माँ बन गई, उम्मुल मोमिनीन बन गई, हज़रत ज़ैनब ज़िला तना उनका नाम था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों का रिश्ता तय कर दिया, हज़रत ज़ैद बिन हारिसा का हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साथ। और वो शादी जब हुई, वो शादी वो ज़ाहिर निकाह हो गया, शादी हो गई, वो इस बुरी तरह से पिटा वो निकाह, वो शादी इस बुरी तरह से फ्लॉप हुई, इस बुरी मैं अल्लाह से डरते हुए कह रहा हूँ, इस बुरी तरह से फ्लॉप हुई कि बहुत कम शादियाँ उस ज़माने में फ़्लॉप होती थी, उस ज़माने में इतनी शादियाँ फ़्लॉप नहीं होती थी, वो शादी बुरी तरह से फ़्लॉप हो गई। कौन सी शादी, जिनकी जिसको करने में दोनों तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुद सरबराही थी। अब क्या उन्होंने इस्तखारा नहीं किया, अगर इस्तखारा किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तखारा गलत आ ही नहीं सकता, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इस्तखारे की ज़रूरत ही भी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नबी का ताल्लुक तो डायरेक्ट अल्लाह ताला से होता है, नबी तो डायरेक्ट अल्लाह से उनको इशारा मिल रहा होता है, डायरेक्ट बराहिरा से इशारे मिल रहे होते हैं। तो वो अगर उन्होंने इस्तखारा नहीं किया तो इसका मतलब इस्तखारे की ज़रूरत नहीं है, और अगर इस्तखारा किया तो उनका इस्तखारा तो गलत हो ही नहीं सकता। तो वो उन्होंने एक फ़ैसला किया अपनी तरफ से, उन्होंने बेहतर समझ के किया, लेकिन अल्लाह ताला को वैसे मंजूर नहीं था। लेकिन जो भी हालात वाक़ियात उसमें हुए, दोनों की तलाक हो गई, डिवोर्स हो गई, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी उनको नहीं पसंद फरमाती थी हज़रत ज़ैद बिन हारिसा को। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा ने कहा मैं डिवोर्स तलाक दे दूँगा, अपने फरमाया अल्लाह से डरो, कहा जी मैं नहीं रह सकता, मेरी मजबूरी है मैं नहीं रह सकता, वो मुझे नहीं बेहतर समझती, मैं इसके साथ नहीं रह सकता। तो खैर वो तलाक हुई, बाद में हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन भी बन गई, यानी मोमिनीन की माँ बन गई। लेकिन वो इससे बढ़ के मुझे को बता दे कि वो कौन सा बाबा है इस दुनिया में जो बता देगा कि इस लड़के का इस लड़की के साथ रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा और इनका आपस में निभ जाएगी,
कोई दुनिया का बाबा, दुनिया के सारे बाबे इकट्ठे कर लो, सारे जहान के बाबे इकट्ठे कर लो, नहीं बता सकेंगे। क्यों? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के सहारा करने वाला, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के इशारा लेने वाला, अल्लाह ताला से डर के इशारा लेने वाले, उनसे बढ़ के कोई हस्ती नहीं है इस दुनिया में। जब उनका किया हुआ एक रिश्ता दोनों तरफ से किया हुआ रिश्ता फ्लॉप हो गया, बुरी तरह से पिट गया, तो किस बाबे का रिश्ता, किस बाबों की बात कर रहे हैं? अल्लाह से डरें, अल्लाह से खौफ खाएं। सिर्फ एक मिशकात शरीफ में दुआ है, दुआ का पहले लफ्ज़ शुरू के लफ्ज़ की मैंने आपको मायने बता दिए कि या अल्लाह मैं अल्लाह मिनस्तखी रुका, या अल्लाह मैं तुझे खैर का सवाल करता हूँ। उसमें अभी कोई आपको लेट के ख्वाब नहीं आएगी, ख्वाब में नीला रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, काला रंग, ये बाबे बताते हैं ना आपको, ये खुद से इन्होंने खड़ी हुई बातें हैं कि जहाँ बैठना है वहीं नफल पढ़ने हैं, पढ़ के वहीं सो जाना है, बात नहीं करनी, ख्वाब आएगी, ख्वाब में ये आ गया तो ये होगा, ये आ गया तो वो हो गया, सब फजूल बातें इन बाबों की, टोटली फजूल बातें। इसका कोई ताल्लुक नहीं है सहारे के साथ। इस सहारे की दुआ है, या अल्लाह इसको खैर बना दे, अगर ये खैर है तो ये मुझे इसके करीब कर देगा, खैर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे, बस इतना ही मतलब है।